3, 2, 1, let's go. Hello, Assalamu Alaikum. My name is Muhammad Lali and you're watching I Am Bilal. आज मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी. अब ये स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी वियर्ड है, ठीक है ना, इफ़ यू लुक टू इट लाइक दैट. लेकिन ये स्टोरी में लेसन्स भी हैं, ठीक है ना, सीख भी हैं, थोड़ी फ़नी भी है, हीरोइक्स भी है, जज्बात भी हैं, ठीक है ना, इसमें हर चीज़ है, इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग. तो मैंने स्टोरी सुना देता हूँ. Although I was a bit shy and I was feeling a bit hesitant कि भाई पब्लिकली स्टोरी सुनानी चाहिए. लेकिन then I was like अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं किया ना हुआ मेरे एंड से, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी इवन, तो इट्स फाइन. खैर अब हम लोग गए क्लब. खैर अब बात है 4 साल पुरानी, 2017 की. तब मैं था 16 साल का. हमारा लास्ट ईयर था, 2 क्लासेस जा रही थी, 9th और 10th. मरी हम लोग निकले शाम को, वहाँ पहुँचे कुछ रात के 8-9 बजे या 10 बजे, ठीक है. लड़के मेरे मरी गए तो मर ही गए, सोए पड़े तुन लोग के. मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, कोई पागल वागल तो नहीं हो गए, इतनी तुम 4-5 घंटे का सफ़र करके या सोने के लिए आए हो, ठीक, क्या हो, थोड़ा कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं फिर सो जाते हैं सारे मिलके, ठीक है, फिर ताश तूश खेल लेते हैं, कुछ करते हैं, अभी उठते हैं. नहीं नहीं सोने दो यार, क्या सुबह उठेंगे, सुबह सुबह फर्स्ट टाइम उठेंगे फजर पे इंशाल्लाह. ये मैं कहा चलो ठीक है भाई, मर्जी है. अब मैं लोनली बॉय 28 हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि मैं लोनली बॉय 28 फिर रहा. एक जगह पे मेरा सर था, उठा हुआ था जो, और एक जगह दो जूनियर थे. अब सर के पास मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे कटाई जा रहा है कि बेटा वो देखो वहाँ पे वो देखो वैसे है, और वो चेक करो क्या हो रहा है वहाँ पे. मैंने कहा यार ये कटाना चाह रहा है मुझे, बिलाल साहब इज्जत अपने बंदे की खुद में हाथ में होती है, इसको मिस करो. अब वो मैं वहाँ पे फिर अब लिबास उतरा से पहन रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने देखा वो दो लड़के जूनियर जो थे मेरे साथ फिर रहते, तो मैंने कहा चलो यार फिर लेते हैं इनके साथ. तो भाईजान बड़े अल्लाह माफ करे चवलियाँ मार रहे थे वो, लड़कियों को कैट कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और छेड़ रहे हैं. अब मैंने कहा बिलाल साहब अल्लाह माफ़ करे, खुली सड़क पे ये लोग गलत हरकतें कर रहे हैं, पसीना देख रहे हैं आप, पसीना देख रहे हैं, मोहब्बत और डेडिकेशन कहते हैं. तो अब मैंने वो लड़के चवलियाँ मार रहे हैं, ठीक है, कि लड़कियों को छेड़े वगैरह. मैंने कहा बिलाल साहब अल्लाह माफ़ करे, एंड कूट छूट पड़ गया नहीं, तुम इनसे पीछे रहो. मैं पीछे रहा तो जो मैंने सोचा था वही हुआ, पठान आ गए उनके पास. कोचा तू क्या कर रहा है ये पे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तू कहता है तू, तुझे मैं सही मोहल दिखाता हूँ, मर्द का बच्चा है तो चल. मैं तो सही मोहल दिखाता हूँ, और बच्चा छोटा छोटा था बच्चे. चलो चलो मैं दूर से देख रहा, मैं कहा ये पागल वागल तो नहीं हो गए खबीस. मैंने कहा भाई तू पागल तो नहीं है, ठीक है. रात के 11 बजे अनजान मरी में, अनजान शहर में, तू पठान के साथ गुफाओं से कहीं जा रहा है, तेरा दिमाग कोई अल्लाह माफ किधर गया है. ओ बल्ले, अबे कर ओ बल्ले तू चुप कर, तू केक मम्मी लड़ी इसको देख यार. मैंने कहा यार मुझे तब छुड़ी, मैं कहा जा 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 जाना जा. अब मैं लिटरली वहाँ से गया हूँ, चक्कर आ गया, मोबाइल मैं चार्जिंग में लगा हुआ था, वो चार्जिंग से लेके आया हूँ, मैं देखा वो है ही नहीं, ना पठान है ना वो लोग है. अब मैंने कहा यार ये काम ख़राब हो गया है मेरे अंदर का ना. अम्मा जी मुझे पता है ये बात, मैंने ना हरकत की गलत हुई है, लेकिन देखो नीयत अच्छी थी मेरी और अल्लाह ने मेरे पे करम रखा, और देखो अब मैंने एक शेर पाला है, शेर सुपरमैन, यस. तो मैंने देखा भजन वो चले गए, हमें देखा दूर से तो वो भाई एक लिटरली गुफा में जा रहे थे, लिटरली क्या खाई में घुस रहे जा रहे थे. तो मैंने क्या किया, मैंने कोई डाल पर डाले, मेरे मोबाइल में तो फीचर था कि जब आप 2 दफ़ा से क्लिक करो ना अपने वॉल्यूम के डाउन वाले बटन को, वॉल्यूम लो वाले बटन को 2 दफ़ा क्लिक करो तो वो आती थी क्विक डायल. क्विक डायल में रखे 3 नंबर, पहले अब्बा जी का, फिर सर का, और तीसरा पुलिस का. मैंने फुल तो रखा हुआ, मैं फुल जेम्स बॉन्ड 007 है, जैकी चैन बना हुआ. यहाँ पे 3 पत्थर, 2-3 पत्थर जेब में, इधर पत्थर, एक छुरी पकड़ी हुई है फुल, इधर कोई यहाँ छुरी छुपाई है, पूरा मॉचमन बना हुआ मैं कि भाई बैज है ना, इंसाफ दूंगा, बच्चों का बचाऊंगा. ये तो वो, अब मैं खुद भी डरी जा रहा. अब मैं खाई में गया तो बड़े आगे निकल गए हुए थे, तो मैं भागते भागते उनके पीछे गया, तो वो ना मुझे बड़े खुश हुआ देख के, देखा तो देखा, मुझे पता था बिलाल ना बनता बहुत अच्छा है. मैंने कहा सब्र कर लो मुझे अब ना, मैंने ना गुस्से से फुल सीख के प्रैक्टिस करके आया हुआ, ऐसे पकड़ा जेनवन, मैंने ऐसे पकड़ा पठान के कॉलर से. मैंने देखा अच्छा मैं लंबा तब भी था पठान से, ठीक है, मैं तब खैर मैं था कोई 5-10-11 लेकिन तब भी लंबा था पठान से. मैंने कहा मैं तेरा सर फाड़ देने खान जी, पत्थर मेरे मुँह पर मारता है, मैंने बकवास ना कर किधर लेके जा रहे हैं बच्चों को. अगर सुनो कहता क्या है, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने जहाँ कहा है वहीं लेके जाऊँगा.
मेरी तुझे पठान की जुबान है। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, तू लेके कहाँ जा रहा है बच्चों को, और कलमे पढ़ रहा है वह लॉजिक 100 पश्तून लॉजिक 100 ठीक है। खैर अब हम फिर जा रहे हैं, मैं लगाया मोबाइल पर ट्रैकर, सर पूरा सिस्टम बना के जेम्स बॉन्ड ऐसे ईजी लेना आपने। मैंने लड़के को भेजी अपनी लाइव लोकेशन, मैं साथ उसको भेजी ट्रैकर वाली ऐप थी, आई डोंट नो क्या थी वो, हाइकिंग की कोई ऐप थी स्पेशल डाउनलोड की थी हम दोनों ने, मेरे से कोई कौन सी थी यार, कोई स्मार्ट वॉच की ऐप थी। खैर तो मैं उसको भेज दी, उससे उसकी लोकेशन भी भेज दी मैंने उसको, और उसको लाइव लोकेशन भी भेज दी व्हाट्सएप की। मैंने कहा ये इस पर तू अगर मैं क्या कहते हैं 2-3 घंटे तक नहीं आया ना तो इस लोकेशन से देखिए मैं किधर हूँ, और जल्दी से ना ये मेरा अपाजी का नंबर है, ये पुलिस का नंबर है, कॉल करके आ जाए। अब मैं पूरा सिस्टम बना के आया हुआ, अब मैं देखा मैं वहाँ पर हाइकिंग वाले ऐप खोली, मैं देखा 4 किलोमीटर नीचे चले गए हम। मैंने कहा यार बिलाल ये मरवा देगा, बिलाल साहब ये मरवा देगा कुछ कर। अब मैंने ना फिर इधर देखा, मैंने पत्थर पत्थर देखे, मैं ना ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, बीच बीच में ना मैं क्लूज भी छोड़ रहा हूँ, देखा डोरा द एक्सप्लोरर हुआ है, मैं भी डोरा द एक्सप्लोरर, मैं बीच में क्लूज भी छोड़ रहा हूँ ऐसे ना कागज़ के गत्ते फाड़ फूड़ के, कोई माचिस के तिनके फेंक फेंक के, कि भाई बाद में आकर मैं क्लूज से ना ऊपर जाऊँगा साइंटिस्ट देखा ना। खैर तो मैं उसको फिर पकड़ा, मैंने कहा 5 का 5 का बच्चा हो गया, 20 मिनट चल रहे हैं हम, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, खत्म कोचा तुझे हमारी ज़बान पर शक है, ये देख मैं कसम खा रहा हूँ ना अल्लाह की ला इलाहा, फिर से कसम कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं जो है ना भाई आपको जहाँ पे कहा वहीं लेके जाऊँगा। खैर आगे और चलो, अब हम चलते रहे किलोमीटर आगे गए, एग्जैक्टली 5.3 किलोमीटर नीचे रास्ता था ठीक है। तो भाई एक ना ऐसे पहाड़ी सी बनी हुई थी छोटी सी, तो गए थे बड़े नाके, और ऊपर थोड़े 4-5 ना थे घर टाइप। अब हम टापा वाली बात है उन्होंने, अब मैंने कहा यार बिलाल साहब हम उनके एरिया में घुस रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर दे पीछे से तुझे क्लोरोफॉर्म तेरे मुंह में सुंगा दे, कुछ भी कर दे तू बेबस है बिल्कुल। अच्छा यार बॉयस, तो ना सही नहीं है कि मेरा मोबाइल की ना हो गई थी बैटरी, मोबाइल मेरा गर्म हो गया सर गर्म, ये बंदा ये जिल्द ये नहीं गर्म हीटअप हुई, मेरा मोबाइल हीटअप हो गया। तो स्टोरी एंड पर यही हुआ कि क्या कहते हैं उसको, सॉरी फॉर द इनस्टेबिलेशन, इसके मैं क्या करूँ ऐसे ही पकड़ लो, चलो कोई नहीं भाई ये समझ जाएंगे। उसका एंड ये हुआ भाई कि ना वो लड़के वहाँ पे गए जहाँ पे उन्होंने जाना था ठीक है ना, वहाँ पे आगे क्या हुआ वो अल्लाह और उनका पर्दा है, मैं छोड़ देता हूँ ठीक है। खैर वापसी पे भाई थक गए दोनों, अब रफ्तों में पूरे हफे पड़े, मैंने कहा यार खैर घंटा हम लोग रात के 1 बजे घर पहुँचे वापस, शुक्र करो हम घर पहुंच गए ठीक है ना। और ये बिलाल भाई यहाँ पे हीरो बन रहे हैं ना, हीरो बनने वाली कोई बात नहीं थी, अल्लाह करम हो गया बच गए बिलाल भाई, वरना बिलाल भी साथ रगड़े जाते हैं। बिलाल भाई तरफ बिलाल भाई क्या इंटेलिजेंस किस देखो, 400 पुराने बिलाल भाई पे वो डोरा वगैरह माचिस की तेलियाँ फेंक रहे हैं माफूल क्या कहते हैं जेम्स बॉन्ड, लेकिन उनको इतनी अक्ल नहीं है कि भाई अगर वो दोनों जा रहे हैं तो मुझे जाना ही चाहिए, मुझे बल्कि किसी को इतला करना चाहिए ताकि वो ना अथॉरिटीज़ को आगे समझ रहे बात को, लेकिन नहीं भाई हीरो शेर हाफिज। बाकी ये पसीना देख रहे हो ना, ये मोहब्बत है, दिस इज़ ऑल मोहब्बत, और मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती, मोहब्बत मोहब्बत होती है, आगे से मोहब्बत करते हैं लाइक से शेयर से कमेंट से, लेकिन एक और वैल्यू होती है यहाँ पे, वो होती है ये मॉनेटरी वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू। और आपको पता ही होगा यूट्यूब से बंदा कमाता कुछ भी नहीं है, स्पेशली इस उम्र में आता कुछ, इस उम्र में मतलब चैनल की इस उम्र में आता कुछ भी नहीं है, और जाता बेइंतहाश है। उससे क्या होता है, उससे आपके अपग्रेडेशन तो छोड़ो आपके बिल्स पूरे नहीं होते। तो व्हाट आई नीड यू फॉर हेल्प फ्रॉम यूएस, व्हाट आई नीड फंड्स फ्रॉम यूएस, के आप पेट्रियन और जैस कैश में सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पास इतने फंड्स भी हों कि हम लोग बिल्स भी पे करें, और इतने भी हों कि हम उसके बाद अपग्रेडेशन भी करें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे पैसे लेके मैं कोई दुबई नहीं भाग रहा ठीक है ना, मैं इधर ही हूँ, ये कैमरा बेहतर हो जाएगा, थोड़ी लाइटिंग भी शोर आ जाएगी, वेबकैम बेहतर हो जाएगा, कुछ और लैपटॉप बेहतर हो जाएगा, शायद माइक बेहतर, माइक तो खैर अच्छा ही है, लेकिन इस तरह चीज़ें अपग्रेड होती रहेंगी, क्योंकि मैं जेब में लेकर दुबई नहीं भाग रहा ठीक है। तो भाई ये पसीने वाले बिलाल भाई के साथ के तरफ से आपको वो स्टोरी का एंड थोड़ा अच्छा नहीं, मैं मोबाइल सामने आती कर दी, लेकिन स्टोरी जो थी मज़े की थी ना, लेसन उसके बड़े निकल सकते हैं, बड़ा लेसन स्टोरी मज़े की थी ना, बस सही है पैसे पूरे।